हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेंसर। बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बड़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे जाते हैं, शार्ट आंसर टाइप में भी, लॉन्ग आंसर टाइप में भी, सभी प्रकार के क्वेश्चंस इस चैप्टर से मिलते हैं। तो जहाँ तक न्यूमेरिकल की बात है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 से 3 फार्मूलों पे थोड़ा सा ध्यान देना है, और कुछ उसी के शार्ट ट्रिक्स बनाए गए हैं, उसको आपको खूब अच्छे से समझना है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो आप ये जानते रहिए कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की अगर बात की जाए, तो इस चैप्टर में डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, तो इसके लिए डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य जो होती बच्चों, उसके लिए जो फार्मूला है ये होता है लैम्डा इज इक्वल्स एच अपान पी। ये फार्मूला है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का। सूत्र क्या है? एच लैम्डा बराबर एच अपान पी। सबसे मुख्य सूत्र यही है। इसमें जो एच लिखा गया है, इस एच को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक का नियतांक है ये, तो ये प्लैंक नियतांक। और जो पी लिखा गया है, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंटम। इसमें अगर बात की जाएगी गतिज ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य के बीच, तो इसके लिए आप फार्मूला ये जान लीजिए। इसके लिए फार्मूला होता है लैम्डा बराबर एच अपान करड़ी में 2m के। ये फार्मूला लगाएंगे, कब लगाएंगे? जब कण की गतिज ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य के बीच रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे k को हम लोग बोलते हैं कण की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, ये है ओके। और यम तो मास है, जिसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं ये। अब अगर चार्ज पार्टिकल की बात की जाए, तो चार्ज पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वह बच्चों एनर्जी होती है के बराबर क्यू इंटू वी, जहाँ पे वी वो वोल्टेज है जिससे वो एक्सेलरेट हो रहा है, और क्यू चार्ज का मान है। तो इस स्थिति में लैम्डा का फार्मूला हो जाता है एच अपान अंडर रूट 2m, और k के स्थान पर कितना? q इंटू वी। ये फार्मूला हमको मिलता है। इसी फार्मूले में जब हम बात इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे, अगर हम बात इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं, तो ये फार्मूला ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। जब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए Q का मान कितना हो जाएगा? 1, सॉरी Q का मान हो जाएगा E के बराबर। Q का मान E के बराबर, E का मान होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, इतना निगेटिव चार्ज होता है। M जो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg, इतना। और जो एम क्यू इन दोनों का मान हो गया, एच जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10 to the power -34 इतने जूल सेकेंड, ये हो जाएगा। अगर सारी वैल्यूज रख करके इसको सरल करें, तो उस समय लैम्डा की वैल्यू अगर निकालेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू बच्चों हमको मिलती है करीब 12.27 डिवाइड बाई अंडर रूट वी, इतने एंगस्ट्राम में। अगर हमको लैम्डा का मान एंगस्ट्राम में ज्ञात करना है, और कोई चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन जैसा चार्ज पार्टिकल, ये केवल इलेक्ट्रॉन के लिए है, अगर इलेक्ट्रॉन वी वोल्ट विभवांतर से त्वरित हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उसके तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होगा? लैम्डा बराबर 12.27 बटे करड़ी में वी, इतने एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है। तो जानते रहिए, तरंग दैर्ध्य की जब भी बात होगी, तो तरंग दैर्ध्य हम लोग निकालते हैं डी ब्रॉगली
सूत्र से डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का फार्मूला ये है और काइनेटिक एनर्जी के रूप में ये है। अगर चार्ज पार्टिकल है वी वेलोसिटी से एक्सीलरेट हो रहा है तो ये है, और सपोज ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और वी वोल्ट विभवांतर से त्वरित हो रहा है, तो दोनों के बीच ये रिलेशन है जहाँ पे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को मतलब इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग फार्मूलों का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये पहला फार्मूला था जिसमें हम डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे थे। आज ये दूसरे वाले सूत्र पे दूसरे वाली चीज को लेके चलते हैं। दूसरे फार्मूले में क्या है, दूसरे फार्मूले में जो सबसे फेमस फार्मूला है उसको हम लोग कहते हैं आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इसको कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है क्या। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये जो होता है ये आपतित फोटॉन की कुल ऊर्जा ई माइनस जो वर्क फंक्शन है कार्यफलन इसके बराबर होता है। ये इसका फार्मूला, ये इसका बेसिक रूप है। अब मान लो कि हमको कह दिया गया आपतित प्रकाश ये आपतित फोटॉन की कुल ऊर्जा है, आपतित फोटॉन फा है, ये फोटॉन की कुल ऊर्जा, और जो W है इसको हम लोग बोलते हैं कार्य फलन। क्या बोलते हैं, कार्य फलन। तो जो W है उसको कार्य फलन कहेंगे, और जो W है वो कार्य फलन होगा, और जो E है उसको बोलेंगे आपतित फोटॉन की कुल ऊर्जा। तो अब अगर मैं बात करूं इसमें क्वेश्चन में ये चीज कि कार्य फलन का मान किसके बराबर होता है, तो बच्चों फ्रीक्वेंसी के रूप में सबसे पहले मैं इसको बता रहा हूँ। तो देखो जो ई का मान होगा ये होता है एच न्यू फोटॉन की ऊर्जा, और वर्क फंक्शन का जो फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर एच न्यू नाट, ये होता है। तो जो एच न्यू नाट लिखा गया है वो न्यू नाट वाली जो चीज है उस न्यू नाट को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या इसी को देहली आवृत्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब देहली आवृत्ति। तो इन दोनों का मान रख देंगे तो के मैक्सिमम का मान मिल जाएगा, के मैक्सिमम बराबर ये हो जाएगा एच, तो ये हो जाएगा न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच कॉमन कर लीजिए न्यू माइनस न्यू नॉट, ये एक फार्मूला मिल जाएगा किसके रूप में, तो आंसर है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ये। तो एक फार्मूला ये हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं। फिर अगला एक फार्मूला देखिए, तरंग दैर्ध्य के रूप में लिखे तो न्यू बराबर सी बाई लैम्डा होता है, तो सी दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो इसी फार्मूले को तरंग दैर्ध्य के रूप में अगर लिखें तो के मैक्सिमम बराबर हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा, और ये सॉरी एच सी कॉमन हो जाएगा, एच इंटू सी कॉमन होगा, और ये हमको मिलेगा 1/λ-1/λ ना, ये इसका फार्मूला मिलेगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, तो सॉरी क्वेश्चन को नहीं, इस तरीके से फार्मूले में क्वेश्चन फार्मूले को क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करेंगे। अब इन सब चीज़ों से परे एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे बीमारियों में रामबाण इलाज होता वैसे इसमें एक ठे कहते हैं ना एकदम बहुत बढ़िया, इस चैप्टर में सवाल लगाने का एक ठे सबसे अच्छा सबसे प्यारा सूत्र समझ लो जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बड़े ही शॉर्टली लग जाएंगे। बच्चों हम सब शुरू करते हैं वर्क फंक्शन से। वर्क फंक्शन जो होता है डब्ल्यू बराबर ये होता है एच न्यू नाट, जहाँ न्यू नाट को हम लोग बोलते हैं प्रकाश की देहली आवृत्ति।
क्या बोलते हैं, प्रकाश की देहली आवृत्ति। तो ये देहली आवृत्ति है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। वैसे लैम्डा नाट को हम लोग बोलते हैं देहली तरंग दैर्ध्य, तो ये देहली आवृत्ति है। अब अगर हमको W जो कि वो कार्यफलन है, ऊर्जा है, इसका मान हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापना है। किसमें नापना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक बार से ये मैं इसको वेवलेंथ के रूप में लिख के समझाऊं तो ज़्यादा बेटर है। इसी फार्मूले को देखिए, W बराबर आप लिख सकते हैं hc/λ0। ओके, अब देखो, अगर W का मान हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले और लैम्डा का मान एंगस्ट्रॉम में ले, तो ऐसी स्थिति में सवाल को सॉल्व करने का जो एक ट्रिक है उसको जान लीजिए। तो W का फार्मूला हम लोग लगाएंगे 12375, फिर बटे नीचे कितना मिल जाएगा, तो आंसर है लैम्डा नॉट। इतने W है तो W का मान किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहे हैं, इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जितने भी हम लोगों के सवाल लगने वाले हैं सब इसी पे लगेंगे। W बराबर 12375/λ0, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी इसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम लोग हर, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात करें, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो अभी हमने बताया उसमें होता कि मैक्सिमम बराबर, जो अभी फार्मूला हमने बताया, hc फिर 1/λ-1/λ0, ये फार्मूला भी बताया गया। तो इसमें अगर हमको काइनेटिक एनर्जी का मान निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उसके लिए फार्मूले में जब हम और लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लिया गया हो, तो उस समय हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और जो लैम्डा है ये एंगस्ट्रॉम में है, तो के मैक्सिमम बराबर, इसको आप लिख देंगे 12375, इतना कर देंगे, और फिर बटे 1/λ-1/λ0, ये इसका फार्मूला। तो ये जो फार्मूला हमने बताया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और यहीं पे छोटा सा एक फार्मूला ये समझ लीजिए, जो देहली आवृत्ति के साथ, या देहली आवृत्ति नहीं, जो बार बार एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव, इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव का फार्मूला, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के हो, के मैक्सिमम हो, तो निरोधी विभव होता है e×V0, जहाँ पे वी नाट को हम बोलते हैं, ये वी नाट है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव कहते हैं। क्या बोलते हैं? निरोधी विभव। ये है, तो ये भी एक फार्मूला हम लोग को यूज में मिलता है। तो ये इस चैप्टर में सबसे अहम बात यहाँ से शुरू हो रही है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में हमने ये 12375 वाली चीज़ बताई, इसी पे ज़्यादातर सवाल हम लोगों के सॉल्व होंगे। तो फार्मूले को खूब अच्छे से समझ लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा से ज़्यादा है इसमें और कंप्लीट प्रैक्टिस आपको मिलेगी इसमें, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए अगर आपको खूब अच्छे से समझना है। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लिखा है किसी धातु का कार्य फलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी इसके लिए देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो हमसे दे दिया गया है कि कार्य फलन इसका कितना है, W का मान 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी आवृत्ति ज्ञात कीजिए, हमसे इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू नाट का मान ज्ञात करना है, देहली आवृत्ति मतलब न्यू नाट। कार्य फलन का फार्मूला क्या होता है, तो W बराबर एच न्यू नाट होता है, तो न्यू नाट बराबर निकालेंगे तो W/H हो जाएगा। अब W का मान 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1.6×10^-19 इतने से गुणा कर देंगे तो ये जूल में हो जाएगा, बटे प्लांक कांस्टेंट H का मान 6.6×10^-34 इतने जूल सेकंड।
6.6 से 6.6 मर गया, जूल से जूल मर गया। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये पूरा सरल करने के बाद हमको मिलेगा 1.6 × 10¹⁴ √34। ये ऊपर जाएगा तो 9, 5, 14 मतलब 10¹+15 इतने हर्ट्स। तो ये आ जाएगी इसकी देहली आवृत्ति न्यू नाट का मान। तो न्यू नाट कितना आ जाएगा, 1.6 × 10¹⁰ हर्ट्स। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि धातु का कार्यफलन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके लिए देहली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। आ जाइए, अभी जो ट्रिक हमने बताया था उसी पे सवाल लगने हैं। तो W का मान 1.5 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके लिए देहली तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा नाट की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो हमने अभी आपको क्या सिखाया था कि अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में हो और एंगस्ट्रॉम में ना अपना और जो कार्यफलन या ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो रिलेशन क्या होता है W का, W और लैम्डा का, या कार्यफलन का फार्मूला। तो W बराबर 12375 और फिर बटे लैम्डा नाट इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या लैम्डा नाट निकालेंगे तो 12375 × 1.5 इतने एंगस्ट्रॉम। ओके, या 1.5 के स्थान पे आप अभी वही लिख लो, अभी ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 के स्थान पे अभी आप W लिख लो, इतने एंगस्ट्रॉम। तो ये लैम्डा नाट का फार्मूला बन गया। अब मान रख करके आप लैम्डा नाट की वैल्यू फाइंड कर लो। तो लैम्डा नाट बराबर 12375 और इसमें भाग कर दिए W का मान 1.5 इतने एंगस्ट्रॉम। अच्छा, जब भाग करते हैं तो भाग करने के बाद ये आता है 8000 लैम्डा नाट इज इक्वल्स 8250 इतने एंगस्ट्रॉम। ये इसका आंसर आता है। आप भाग करके देखेंगे तो इतना आएगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले एक वर्णी फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको दे दिया गया है लैम्डा का मान कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम, और फोटॉन की ऊर्जा ई आपको फाइंड करना है। मान लो हम ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापना चाहते हैं तो ई का फार्मूला क्या होता है, HC/λ। देखो E का एक फार्मूला ये भी होता है, E बराबर H𝛎। तो जहाँ न्यू है ये आवृत्ति और आवृत्ति बराबर C/λ, तो HC/λ ये फार्मूला बन जाता है। तो ये हो जाएगा E बराबर, अब देखो HC/λ अगर हमको कहा दिया गया E का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापना और लैम्डा एंगस्ट्रॉम में ही दिया है, तो E का सबसे सरल फार्मूला बन जाएगा 12375 × λ। तो E बराबर 12375 × λ का मान कितना है, 4000, इससे भाग कर देंगे तो ये E का मान किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हमने बताया ना, अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में हो और E इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो सीधे सीधे ये फार्मूला और मान रख करके सरल कर लेना है। तो E बराबर, जब आप वैल्यू रख करके सरल करते हैं तो लगभग 4×3 = 12 ये मिल जाता है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग इतना। तो ये इसका आंसर, इतना इसकी ऊर्जा मिलेगी। ओके, आज ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज़ दिया है, इसमें लिखा है विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य 2271 एंगस्ट्रॉम फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इसमें पहले में कहा दिया गया कि वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है और एनर्जी हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है। एकदम सरल फार्मूला वही वाला, E बराबर 12375 × λ इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E बराबर 12375 × λ कितना है, 2271।
तो ये सरल कर लेंगे तो E का मान कितना आ जाएगा बच्चों? E की वैल्यू आ जाएगी लगभग मिलेगा 5.49 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या चीज है? क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक लेजर किरण पुंज 6535 एंगस्ट्रॉम की तीव्रता 5 मिली वाट है। इस किरण पुंज के मार्ग में किसी बिंदु पर प्रति सेकंड गुजरते हुए फोटानों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या की गणना कीजिए। तो फोटानों की संख्या निकालने के लिए आपको, देखो मैं अभी ये फार्मूला आपको बता देता हूँ, इसको खूब अच्छे से, इसको मैं शुरू में स्टार्टिंग में बताना भूल गया इसलिए अभी यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए अगर किसी स्थान पे या किसी स्रोत से यन फोटान निकल रहे हैं प्रति सेकंड, तो यन फोटान की जो संख्या हो, जो यन फोटान की ऊर्जा होती है, एक फोटान की ऊर्जा hc/λ, तो यन फोटान की ऊर्जा nhc/λ, यन फोटानों की ऊर्जा जहाँ यन फोटानों की संख्या है, बराबर जो टोटल उसकी क्षमता, जैसे 5 मिलीवाट दिया है ना, तो इसे क्षमता, क्षमता मान लो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या जो उसकी जो ऊर्जा है उसको हम लोग लिख लेते हैं यक्स से, मान लो यक्स है। तो ये इसका फार्मूला, इसी पे हमको सवाल लगाने हैं, nhc/λ बराबर यक्स, यहाँ पे यक्स उसकी ऊर्जा होगी, जैसे मिलीवाट, वाट का मतलब जूल प्रति सेकंड। तो ये चीज़ आप खूब अच्छे से समझ लीजिए, तो इसको आप यक्स से दिखा रहे हैं। ओके, अब इसी में आपको चीज़ें दे दी गई हैं और आपसे फोटानों की संख्या पूछा है, तो आप जब सवाल लगाएंगे तो सवाल लगाते समय क्या लिखेंगे? तो ये सॉरी सॉरी बच्चों, चलिए ठीक है, अब लगाते हैं, ये हो जाएगा nhc/λ बराबर x। तो यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो x लैम्डा अपान hc, तो ये हो जाएगा n बराबर x का मान 5 मिलीवाट है, तो 5 × 10^3 इतने वाट हो जाएगा। फिर इसके बाद गुड़े लैम्डा का मान कितना है? 65 35 इतने एंगस्ट्रॉम है, तो × 10^10 मीटर हो जाएगा। फिर बटे एच का मान 6.6 × 10^34 इतने जूल सेकेंड, और सी का मान 3 × 10^8। और जब पूरा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं, तो सरल करने के बाद ही हमको मिलता है करीब 1.65 × 10^16 इतने फोटान प्रति सेकंड, इतने फोटान प्रति सेकंड, ये इसका आंसर आता है कि प्रति सेकंड 1.65 × 10^16 फोटान गुजरते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज दिया गया है? लिखा है इसमें, किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो हमसे कार्यफलन दे दिया गया है, W का मान कितना है? W का मान है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तरंग दैर्ध्य आपको फाइंड करना है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए आवश्यक तरंग दैर्ध्य दहली तरंग दैर्ध्य होती है, जिसको लैम्डा नॉट से दिखाते हैं। तो फार्मूला है W बराबर 12375 बटे लैम्डा नॉट। तो यहाँ से लैम्डा नॉट बराबर 12375 बटे W इतने एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगा 12375 बटे W का मान 6.6 इतने एंगस्ट्रॉम। और डिवाइड करते हैं अगर इसको, तो ये आता है 1875 एंगस्ट्रॉम, ये इसका आंसर है। आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या चीज लिखा है, सोडियम का कार्य फलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमसे दे दिया गया है W का मान 2 eV। क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा? तो आ जाइए, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी देहली। इस कार्यफलन से अगर कार्यफलन दे दिया गया तो हम लोग सबसे पहले निकाल लें इसकी देहली, देहली तरंग दैर्ध्य, देहली देहली तरंग दैर्ध्य, देहली तरंग दैर्ध्य कितना है, कितना किससे दिखाते हैं, लैम्डा नॉट से। तो फार्मूला होता है W बराबर 12375 बटे लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट बराबर ये हो जाएगा 12375 बटे W, और W का मान रख करके सरल करते हैं तो 12375 बटे W का मान 2। जब इसको डिवाइड करते हैं आप तो लैम्डा नॉट आता है लगभग 6187.5 इतने एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों जो देहली तरंग दैर्ध्य है, देहली तरंग दैर्ध्य वह तरंग दैर्ध्य होती है जिससे अधिक तरंग दैर्ध्य के अगर प्रकाश को गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ये वह न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है जिसको मतलब एक ऐसी तरंग दैर्ध्य, फिक्स तरंग दैर्ध्य है जिससे कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश अगर धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इससे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश गिरेगा तो नहीं होगा। तो इसमें लिखा क्या 7000 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्ध्य से, तरंग दैर्ध्य का प्रकाश गिरने से पृष्ठ से उत्सर्जन होगा इलेक्ट्रॉन का? तो अब देखो देहली तरंग दैर्ध्य इतना है, इससे ज़्यादा अगर मिल जाएगा प्रकाश, इससे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं उत्सर्जित होगा, इससे कम का गिरेगा तो उत्सर्जित होगा। तो 7000 इससे ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 7000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, के प्रकाश से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, ये चीज़ हो गई। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में है बच्चों, एक पदार्थ के कैथोड से 6000 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करती हैं। तो मतलब देहली तरंग दैर्ध्य, जब इससे अधिक तरंग दैर्ध्य की तरंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकती, खाली यही कर सकता है, तो हम बोलेंगे खाली यही का मतलब ये, या फिर इससे कम तरंग दैर्ध्य, तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, देहली तरंग दैर्ध्य। मतलब हमको दिया गया है लैम्डा नॉट का मतलब 6000 एंगस्ट्रॉम इतना दिया है। इस कैथोड पर 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डालने पर जो आपतित प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य है 4000 एंगस्ट्रॉम। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है, के मैक्सिमम फाइंड करना है। मान लीजिए के मैक्सिमम का मान हम निकाल रहे हैं और एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब ये एंगस्ट्रॉम में, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, के मैक्सिमम बराबर 12375 बटे 1/λ माइनस 1/λ0। तो ये हो जाएगा के मैक्सिमम बराबर 12375 और ये हो जाएगा 1/4000 माइनस 1/6000। तो 1000 कॉमन हो जाएगा, तो 12375 बटे 1000 और फिर बचेगा कितना, 1/4 माइनस 1/6। तो ये हो जाएगा, इसे भाग कर देंगे तो 12.375 और फिर गुड़े, इसका एलसीएम लेंगे तो ये सरल करने पे आ जाएगा एलसीएम 12 और 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12, मतलब ये आ जाएगा 1/12। तो पूरा इसको सरल करेंगे तो के मैक्सिमम 12 × 12 मतलब 1.03 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि धातु का
किसी धातु पृष्ठ का कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो डब्लू का मान है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन को धातु के पृष्ठ पर आपतित होने पर, तो ये हमको दिया गया है कि ऊर्जा का जो फोटॉन है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब फोटॉन की एनर्जी E बराबर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जूल में क्या होगी। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा मतलब के मैक्सिमम हमको फाइंड करना है। तो एकदम आसान है, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो होता है ये है के मैक्सिमम बराबर ये होता है ई माइनस डब्लू। तो के मैक्सिमम बराबर ई का मान 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस डब्लू का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में याद करना है तो 5, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। तो 16×5=80, तो 8.0 × 10⁻¹⁹ जूल। तो ये आ जाएगा के मैक्सिमम, मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, 8×10⁻¹⁹ जूल इसके बराबर। ओके, अब आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है बच्चों किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब W का मान 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की एक्स किरण गिराई जाती है, तो लैम्डा का मान कितना है, 100 एंगस्ट्रॉम है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा मतलब के मैक्सिमम फाइंड करना है। तो आसान सवाल है, तो W का फार्मूला हम लोगों को पता है, या सीधे सीधे आप देखो कैसे फार्मूला लगाएंगे बच्चों। सबसे पहले हम आपतित फोटॉन की ऊर्जा निकाल लें, यहाँ से ध्यान से देखो, आपतित फोटॉन की ऊर्जा, आपतित फोटॉन की ऊर्जा जिसको E से दिखाते हैं, E बराबर, अब E का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो 12375/λ जो एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, तो लैम्डा दिया गया है 100, 100 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 123.75 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तो सब एकदम आसान हो गया, तो के मैक्सिमम का फार्मूला हमको पता है, के मैक्सिमम बराबर किसके होता है, ई माइनस डब्लू, तो ई का मान कितना है, 123.75 माइनस डब्लू का मान 6.6, तो 7×6=13, मतलब ये हमको मिलेगा किसके बराबर, तो घटाने के बाद ये मिलेगा 7×6=13 मतलब लगभग 117.15 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ जाएगा के मैक्सिमम का मान। थोड़ा सा आकल लगाना है, और सवाल पे एक बार जो इसके पैटर्न को समझ गए कि सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी है, वर्क फंक्शन है, और वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है, तो ये 12375 वाला, ये वाला जो ट्रिक है सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इस पे सॉल्व हो जाएंगे। आज ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 4400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एक धातु के तल पर आपतित है जिसका कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 4400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, तो लैम्डा की वैल्यू हमको दिया गया है 4400 एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्ध्य का एक प्रकाश धातु के तल पर आपतित है जिसका कार्यफलन W बराबर 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संभव गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए, एकदम सेम सवाल है जो अभी हमने इसके पहले लगाया है, और हमसे के मैक्सिमम की वैल्यू पूछा गया है, के मैक्सिमम कितना होगा, 2 साल पूछा भी गया है। तो बच्चों सबसे पहले काम आप क्या करोगे, देखो W दिया ही गया है, तो लैम्डा से हम लोग आपतित प्रकाश की ऊर्जा निकाल लें, आपतित प्रकाश की ऊर्जा
तो इसके लिए फार्मूला लगा देंगे ई बराबर 12 375 बटे लैम्डा इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लैम्डा का मान रख करके, अभी इसके पहले एकदम सेम सवाल इसे लगाएं, लैम्डा का मान यहाँ पे रख लेंगे तो ई की वैल्यू मिल जाएगी। जब ई की वैल्यू मिल जाएगी तो फार्मूला होता है के मैक्सिमम, ये होता है के मैक्सिमम बराबर ई माइनस डब्लू। बस इसी पे मान रख करके आप के मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। तो ये सवाल को आप अपने से लगाएंगे, ये इसका होमवर्क हो गया, और इसके आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12th में है एल्यूमिनियम धातु का कार्य फलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, W बराबर 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पर 2000 एंगस्ट्रॉम की प्रकाश किरणों को डालने पर तो इसमें लैम्डा का मान कितना है? 2000 एंगस्ट्रॉम डालने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए विभवांतर, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए जो विभवांतर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निरोधी विभव कहते हैं। ये आपको फाइंड करना है, वी नॉट की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो किस तरीके से सवाल को लगाएंगे? सबसे पहले हम लोग निकाल लें कि आपतित प्रकाश की ऊर्जा कितनी होगी, आपतित प्रकाश की ऊर्जा। तो यहाँ से निकालेंगे आपतित प्रकाश की ऊर्जा, इसको हम लोग ई से दिखाते हैं। ई बराबर 12 375 बटे 2000 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इसको सरल करते हैं तो ये हमको मिलता है 12375 में 2000 से भाग करेंगे तो पहले से दो से मिले, दो से काटेंगे तो 2 6 12, और फिर 2 6 12, फिर 2 1 कम 2, फिर 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा, जस्ट 1 मिनट, ये 12375 इसमें भाग करेंगे 2000 से तो ये आ जाएगा 6.618875 इतना। तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमको मिल गया। तो अब ये इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब देखो ई का मान मिल गया, अब हम लोग लगा देते हैं आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो के मैक्सिमम का फार्मूला, के मैक्सिमम किसके बराबर होता है? ई माइनस डब्लू। तो ई का मान किसके बराबर है? 6.1875 माइनस डब्लू 4.2। जब इसको सरल करते हैं तो के मैक्सिमम लगभग मिलता है 1.98, कुछ ऐसे वोल्ट आता है, तो 1.98 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, क्योंकि के मैक्सिमम का फार्मूला होता है ई इंटू वी, जहाँ पे वी निरोधी विभव है। तो ये 1.98 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये ई से ई मर जाएगा तो वी नाट किसके बराबर मिलेगा? 1.98 इतने वोल्ट। तो जो निरोधी विभव का मान हुआ वो किसके बराबर मिलेगा? 1.98 इतने वोल्ट। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि एक पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की देहली तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो देहली तरंग दैर्ध्य हमको दिया गया है लैम्डा नॉट 6000 एंगस्ट्रॉम है। इसकी सतह पर 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डाला जाता है, तो आपतित प्रकाश है 4000 एंगस्ट्रॉम। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ए मैक्सिमम ज्ञात करना है तथा निरोधी विभव ज्ञात करना है।
ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले के मैक्सिमम, तो के मैक्सिमम का फार्मूला तो 12375 फिर बटे 1 बटे लैम्डा का मान 4000 और माइनस 1 बटे लैम्डा नॉट का मान 6000 इतना। तो इसमें से 1000 कामन करके भाग कर देंगे तो 12.375 और 6 और 4 का एलसीएम पूरा सरल करेंगे 1 बटे 12, मतलब ये मिलेगा 1.03 इसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ये हो गया के मैक्सिमम। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा तो एक तो यही मिल गया, और दूसरी की चीज निरोधी विभव ज्ञात करना है। तो के मैक्सिमम किसके बराबर होता है, ई इंटू वी नाट के। तो ये हो जाएगा ई इंटू वी नाट बराबर 1.03 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई से ई मर जाएगा, बचेगा कितना, वी नाट बराबर 1.03 वोल्ट, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, किसी पदार्थ के कैथोड के किसी प्रकाश कैथोड के पृष्ठ की देहली तरंग दैर्ध्य 600 नैनोमीटर है। यदि इस पृष्ठ पर 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित कराया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5000 नैनोमीटर ही रखते हुए उसकी तीव्रता दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या अंतर पड़ेगा। ओके, तो सवाल में हम देखते हैं, इसमें लिखा है कि किसी प्रकाश कैथोड के पृष्ठ की देहली तरंग दैर्ध्य 6600 नैनोमीटर है। तो बच्चों पहले तो ये जानते रहो, देखो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। ओके, तो इसलिए 600 नैनोमीटर में कितने मीटर होगा, तो 600 × 10⁻⁹ - 9 मीटर इतना हो जाएगा। अब देखो 1 मीटर में 600 नैनोमीटर, इतने 600 मीटर, 600 × 10⁻⁹ और गुड़े 1 मीटर में 10⁻¹० इतने एंगस्ट्राम होता है। जब गुड़ा कर देंगे तो ये आ जाएगा 6000 एंगस्ट्राम, मतलब 600 नैनोमीटर के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्राम में कितनी होगी, 6000। उसी तरीके से 500 नैनोमीटर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्राम में कितनी हो जाएगी, 5000 एंगस्ट्राम। तो एंगस्ट्राम में इसको हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं सवाल पे। तो देहली तरंग दैर्ध्य दिया गया है लैम्डा नॉट 600 नैनोमीटर या 6000 एंगस्ट्राम। ओके, और आपतित प्रकाश लैम्डा का मान है 500 नैनोमीटर या 5000 एंगस्ट्राम। प्रकाश आपतित कराया जाए तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए। के मैक्सिमम आपको फाइंड करना है। के मैक्सिमम का फार्मूला जो होता है ये होता है 12375 फिर बटे में 1000 1000 है तो 1000 कामन कर लेंगे, मिलेगा 1/5 - 1/6, 1 बटे लैम्डा - 1 बटे लैम्डा नॉट। तो 1/5000 - 1/6000, 1000 कामन हो गया तो इसे भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा के मैक्सिमम बराबर 12.375 और फिर गुड़े दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 - 5 मतलब 1 ऊपर और नीचे 6 5 30, 3 से भाग कर देंगे 3 4 12, मतलब लगभग ये मिल जाएगा कितना, ये पूरा सरल करने पे ये हमको मिलेगा लगभग 4, भाग करते हैं बच्चों तो ये हमको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 14 में, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो इसकी वैल्यू जब हम लोग सरल करते हैं तो ये हमको मिलता है 6., अब 3 से भाग कर देंगे तो 3 4 12 मतलब
कितना आएगा, ये 1/5 माइनस 1/6, ये चीज उल्टा हो गया, 1/6 माइनस 1/λ माइनस 1/λ ना, नहीं सही है, ठीक है। तो ये हमको मिलेगा 12375, और इसमें भाग कर देंगे किसका, 30 का, तो ये हमको मिल जाएगा लगभग 0.4125 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा के मैक्सिमम। और अगर जूल में ज्ञात करना है तो के मैक्सिमम बराबर 0.4125 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जूल बदलने के लिए 1.6×10⁻¹⁹ से गुणा कर देंगे, और जब गुणा करते हैं तो ये हमको मिलता है कि मैक्सिमम बराबर आता है लगभग, गुणा करने पे ये आता है 6.6×10⁻²⁰ इतने जूल। तो ये इसका आंसर जूल में इतना मिलेगा। फिर इसके बाद लिखा है यदि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 500 नैनोमीटर ही रखते हुए उसकी तीव्रता दुगनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या अंतर पड़ेगा। तो बच्चों याद रखो कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर प्रकाश की तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे हम तीव्रता 2 गुनी कर दें, 20 गुनी कर दें, 100 गुनी, करोड़ गुनी, चाहे जो गुनी कर दें, उसकी तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या चीज दिया है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में 500 एंगस्ट्रॉम तथा 600 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डाला जाता है, तो हाइड्रोजन परमाणु से 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, प्लैंक नियतांक का मान याद कीजिए। तो सवाल में सबसे पहले आप ये चीज देखिए, मान लो जब हम 500 एंगस्ट्रॉम का जो प्रकाश है तो उससे संबद्ध ऊर्जा E1 है, और जिसका मान है 6.2 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो 600 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश जब आपतित कराया जाता है तो इसके संगत ऊर्जा E2 है, उसका मान दिया है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E का फार्मूला किसके बराबर होता है, hc/λ इसके बराबर होता है। तो E1 का बराबर लिखेंगे तो hc/λ1, इसी तरीके से E2 बराबर किसके हो जाएगा, hc/λ2, E1 माइनस E2 कर लो तो E1 माइनस E2 किसके बराबर होगा, hc/λ1 और माइनस hc/λ2। तो hc कॉमन कर लेंगे 1/λ1 माइनस 1/λ2 E1 माइनस E2, तो 6.2 माइनस 2.2, और इसको सरल करते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6×10⁻¹⁹ इतने जूल, और फिर बराबर H का मान ज्ञात करना है, C का मान 3×10⁸, और फिर 1/λ1 का मान कितना है 500, और माइनस 1/λ2 का मान कितना है 600। अब जब पूरे को सरल करते हैं हम लोग और यहाँ से H की वैल्यू फाइंड करते हैं तो H की वैल्यू हमको मिलती है करीब 6.4×10⁻¹⁴⁴ इतने जूल सेकंड। बाकी कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। अब तरंग दैर्ध्य वाले पर बेस्ड सब क्वेश्चन है। लिखा है किसी कण से संबद्ध द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है, कण के संवेग की गणना कीजिए।
तो द्रव्य तरंग जिसको डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, ये एक एंगस्ट्रॉम है, इसका संवेग पी का मान ज्ञात करना है। तो ये फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, लैम्डा बराबर एच बटे पी। तो यहाँ से पी बराबर निकालेंगे तो एच बटे लैम्डा, तो पी बराबर एच का मान 6 × 10⁻¹⁴ जूल सेकेंड बटे लैम्डा का मान 1 × 10⁻¹⁰ मीटर। तो पी बराबर 6.6 × 10⁻¹⁴ इतने किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये संवेग का मान होगा। ओके, तो इस तरीके से लगाना था। आज ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ठीक इसी तरीके से है। फोटॉन की ऊर्जा, इस बार हमको ऊर्जा दे दी गई है। तो फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन गति अवस्था में होता है तो गतिज ऊर्जा रखेगा, तो ये 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका संवेग हमको फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम फोटॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर ले। तो फोटॉन की तरंग दैर्ध्य अगर निकालेंगे तो फोटॉन की तरंग दैर्ध्य, अब ऊर्जा अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो तरंग दैर्ध्य का फार्मूला 12 375 बटे k या e, जो भी हमको ऊर्जा का सिंबल रहेगा, इतने एंगस्ट्रॉम। तो ये हो जाएगा 12 375 बटे k का मान 30। तो लैम्डा यहाँ से हमको मिल जाएगा कितना, भाग करने पे ये आता है, या इतना ही एंगस्ट्रॉम रहने दीजिए, अभी बाद में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब आ जाते हैं संवेग ज्ञात करना है। तो संवेग का फार्मूला पी बराबर एच बटे लैम्डा ये होता है। तो ये हो जाएगा एच का मान 6.6 × 10³⁴ और फिर बटे लैम्डा का मान किसके बराबर है, 12 375 बटे 30 था, तो 30 ऊपर चला जाएगा, इतने एंगस्ट्रॉम था, तो 10³⁰ इतने मीटर। अब इसको जब आप सरल करते हैं तो पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपको मिलता है 1.6 × 10⁶ इतने केजी मीटर प्रति सेकंड, ये इसका मान मिलता है। ओके, मतलब पहले के दिया था तो हमने पहले लैम्डा निकाल लिया, और जब लैम्डा का मान हमको मिल गया तो लैम्डा का मान इसी फार्मूले में रख करके पी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली गई। ओके, आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या दिया है, किसी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का, इस किसी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक विभव का मान क्या होगा, किसी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक विभव का मान क्या होगा यदि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। तो इसमें हमसे त्वरक विभव मतलब वी की वैल्यू पूछा गया है, वोल्टेज पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, मतलब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और इसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। तो बच्चों हमने एक ट्रिक भी बताई है शुरू में सवाल को समझाते समय, अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है, तो उस समय जो फार्मूला होता है लैम्डा का, ये होता है 12.27 √V इतने एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे वी वोल्ट में होगा। तो यहाँ से अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो लैम्डा स्क्वायर बराबर कितना, ये हमको मिल जाए, ये सॉरी यहाँ पे ये हमको मिलेगा √V बराबर 12.27 √λ। अब वी का √V बराबर इतने एंगस्ट्रॉम में ऊपर है ये, तो 12.27 √λ का मान 1 एंगस्ट्रॉम है, तो ये एंगस्ट्रॉम यूनिट लिखने का कोई मतलब नहीं, यूनिट में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो इतना हो गया। अब इसके बाद
देखो लैम्डा बराबर 12.27 बटे करड़ी में वी इतने एंगस्ट्रॉम, लैम्डा की यूनिट एंगस्ट्रॉम में होती है, वी की यूनिट वोल्ट में होती है, तो इसको इधर कर लिया, लैम्डा को इधर कर दिया, तो अब अंडर रूट इधर ले जाओगे तो वी बराबर 12.27 का होल स्क्वायर, और जब भाग करते हैं तो ये हमको मिलता है वी की वैल्यू लगभग 150.5 इतने वोल्ट। तो त्वरक विभव का मान लगभग कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 150 वोल्ट इसके आसपास। ओके आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या चीज दिया है, एक प्रोटॉन तथा अल्फा कण, ये अल्फा कण है बच्चों, एक प्रोटॉन तथा अल्फा कण, ये अल्फा कण है, कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य समान है, मतलब लैम्डा पी और लैम्डा अल्फा दोनों बराबर है, तो उनकी चालों में अनुपात क्या होगा, आपको ज्ञात करना है वी पी और बटे वी अल्फा इसका मान कितना होगा। इसमें हमको दिया गया है ये भी अल्फा है, यम अल्फा बराबर 4 mp। ओके तो सबसे पहले तरंग दैर्ध्य समान है तो हम फार्मूला बना लेते हैं। देखो लैम्डा पी, अगर हम प्रोटॉन के लिए लैम्डा का मान लिखें तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का फार्मूला एच बटे तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर एच बटे पी होता है। अब पी देखो संवेग है, और संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच जो संबंध होता है पी बराबर होता है, पी बराबर या ऐसे सीधे एच बटे संवेग का सूत्र द्रव्यमान गुणे वेग, तो ऐसे लिख लीजिए। अब ये प्रोटॉन की बात हो रही है तो पी एम पी इंटू वी पी कर दीजिए, कितना, ये एक रिलेशन मिल गया। फिर इसी तरीके से लैम्डा अल्फा की बात करेंगे तो एच बटे एम इंटू वी, देखो संवेग का फार्मूला लैम्डा बराबर एच अपान पी होता है, और जहाँ पी बराबर होता है एम इंटू वी संवेग है, तो उसी के नाते ये फार्मूला ऐसे बन रहा है, तो एच बटे एम इंटू वी कर दीजिए, और एम अल्फा की बात हो रही है तो एम अल्फा इंटू वी अल्फा, इक्वेशन सेकेंड। अब इसके बाद मान रख देते हैं या डिवाइड कर लेते हैं पहले, तब फिर मान रखते हैं। ओके तो आप क्या करो, समीकरण एक में समीकरण दो से भाग कर दो, मतलब लैम्डा पी बटे लैम्डा अल्फा कर दो, तो ये हो जाएगा एच बटे एम पी वी पी, फिर बटे करेंगे तो उलट करके गुणा होगा, तो ये हो जाएगा एम अल्फा वी अल्फा बटे एच, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, इसका एच पी और एच अल्फा बराबर है तो दोनों का अनुपात एक हो जाएगा। यम अल्फा किसके बराबर, 4 mp, तो 4 × mp इंटू वी अल्फा बटे नीचे क्या मिलेगा, यम पी इंटू वी पी, तो यम पी से यम पी मर गया, वी पी का एक गुणा कर दीजिए, वी पी बराबर 4 v अल्फा, इसको इधर ले आइए तो वी पी बटे वी अल्फा बराबर 4:1। तो हमसे जो पूछा गया अनुपात कितना होगा, तो आप बताएंगे वी पी रेशियो वी अल्फा बराबर 4:1, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से अनुपात ज्ञात करना है। आज ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि प्रोटॉन तथा अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य करड़ी में 8:1 के अनुपात में है। तो ये ए जहां पे लिखा है उसको आप समझ लीजिए कि ये अल्फा कण है, लिखा करड़ी में ए 8:1 के अनुपात में है प्रोटॉन और अल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, मतलब हमको दिया गया है लैम्डा पी और लैम्डा अल्फा, इसका अनुपात करड़ी में 8:1 है इतना दिया गया है। उनकी गतिज ऊर्जाओं में अनुपात ज्ञात करिए, गतिज ऊर्जाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब हमको ज्ञात करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये कितना होगा। तो बच्चों संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध होता है, ये जानते रहिए, संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध होता है के बराबर p²/2m या p बराबर करड़ी में 2 m के,
तो अब हम लोग रिलेशन बनाते हैं। सबसे पहले मैं लैम्डा पी की बात करूं, मतलब संवे ये तरंग दैर्ध्य प्रोटॉन की, तो डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य का फार्मूला लैम्डा बराबर एच बटे पी, जहां पी संवेग है, तो लैम्डा बराबर एच बटे संवेग किसके बराबर होगा, तो टू एम के, लेकिन यहाँ पे हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पी भी लिख दीजिए। ये एक रिलेशन मिल गया। दूसरा रिलेशन, समीकरण एक माना जा चुका है तो दूसरा हो गया। इसी प्रकार लैम्डा अल्फा बराबर किसके होगा, तो एच बटे करड़ी में टू एम के, लेकिन अब किसके लिए है, अल्फा के लिए, तो अल्फा कर लीजिए समीकरण नंबर तीन। समीकरण दो में समीकरण तीन से भाग कर दो तो ये हो जाएगा लैम्डा पी बटे लैम्डा अल्फा बराबर एच बटे अंडर रूट टू एम पी इंटू के पी, और फिर ये हो जाएगा उलट करके गुणा हो जाएगा, तो करड़ी में टू एम अल्फा इंटू के अल्फा बटे एच, तो एच से एच कैंसिल, और जो इसकी वैल्यू हमको दी गई है, ये इसके आगे का कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा लैम्डा पी बटे लैम्डा अल्फा की तरह किसके बराबर, समीकरण एक से करड़ी में आठ बटे एक, तो ये हो जाएगा ऊपर देखो करड़ी में दो से करड़ी में दो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक बार करड़ी में पूरा। यम अल्फा किसके बराबर है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर एकदम दिया गया है, यहाँ पे यम अल्फा बराबर है फोर एम पी, तो यम अल्फा के स्थान पे फोर यम पी इंटू के अल्फा, और फिर बटे नीचे है एम पी इंटू के पी, तो एम पी से एम पी कट गया, करड़ी से करड़ी कट गई, तो ये हमको मिल जाएगा इधर आठ बटे एक बराबर ऊपर मिलेगा फोर इंटू के अल्फा, नीचे मिलेगा के इंटू पी, तो चार एकम चार, चार दूनी आठ, दो को इधर कर दो, के पी को इधर कर दो, तो ये हमको मिल जाएगा के पी बराबर कितना मिल जाएगा के अल्फा बटे दो, के अल्फा को इधर कर लो तो ये हो जाएगा के पी बटे के अल्फा बराबर ऊपर बचेगा ये इधर चला गया, तो ये ऊपर बचेगा एक और नीचे बचेगा दो, मतलब के पी बटे के अल्फा बराबर किसके होंगे, एक अनुपात दो के अनुपात में। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके आ जाइए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या चीज दिया गया है, 300 वाट तथा 6600 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के एक ओरड़ी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड कितने फोटॉन का उत्सर्जन होगा। तो ये तो वैसे ही सवाल है, हमने बताया था इस पे कि मान लो अगर n फोटॉन निकलते हैं तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, n एच सी बाई लैम्डा बराबर x, तो n बराबर कितना हो जाएगा, x लैम्डा बाई एच सी, तो n जो फोटानों की संख्या है, x कितना है मतलब जो क्षमता या वाट में जो मान रहेगा कितना है 300, फिर गुड़े लैम्डा का मान कितना है 6600, तो 6600 और गुड़े 10 की घात ऋण 10, तो मीटर में हो जाएगा क्योंकि एंगस्ट्रॉम में था, बटे h का मान ये h है, तो एच का मान 6.6 गुड़े 10 की घात ऋण 34 जूल सेकंड, और सी का मान 3 गुड़े 10 की घात 8। जब पूरे को करते हैं एकदम सरल फरल, तो सरल करने के बाद ये हमको मिलता है लगभग 10 की घात, देखो 6600 वाले से ये वाला टर्म कटेगा, ये सी ए कटेगा, तो खाली 10 की घात में बचता है, तो ये आता है 10 की घात 21 फोटॉन प्रति सेकंड, कितना मिलता है 10 की घात 21 फोटॉन प्रति सेकंड, लगभग मतलब एक सेकंड में लगभग इतने फोटॉन निकलते हैं। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, और यही हमारे आज के वीडियो का एकदम लास्ट क्वेश्चन होगा, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है एक वर्णी प्रकाश स्रोत जो है 10% ऊर्जा 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश में रूपांतरित हो जाती है,
किसी एक बड़ी प्रकाश स्रोत की 10% ऊर्जा 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश में रूपांतरित हो जाती है यदि स्रोत की सामर्थ्य, ये पावर सामर्थ्य लिखा है, मिसप्रिंट है, सामर्थ्य 400 वाट हो तब स्रोत से कितने फोटॉन प्रति सेकेंड उत्सर्जित होंगे। तो हमको कुल क्षमता दी गई है, कुल क्षमता कितनी दी गई है, 400 वाट। अब प्रकाश के रूप में कितना भाग इसका बदलता है, 10%, तो यक्स का मान जो दिया गया है, जो प्रकाश के रूप में फोटॉन कितने बदलते हैं, कितनी ऊर्जा फोटॉनों के रूप में बदलती है या प्रकाश के रूप में, तो ये दिया गया है 400 का 10%। 400 का 10% कितना हो जाएगा, 40। या नहीं समझ में आ रहा तो गुणा भाग कर लीजिए, गुणे 10/100 कर दो तो 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, बराबर आ गया 40 इतने वाट। तो एक्स की वैल्यू मिल गई। अब फोटॉन प्रति सेकंड कितने फोटॉन उत्सर्जित होंगे, तो फार्मूला वही है, Nhcλ = x। तो n = xλ/hc। तो n = x का मान 40, लैम्डा का मान 5500 एंगस्ट्रॉम, तो 5500 × 10^10 इतने मीटर, और फिर बटे एच का मान 6.6 × 10^34, और फिर गुड़े सी का मान किसके बराबर दिया गया है, तो सी की वैल्यू ये दी गई है, कितना होता है, 3×10^8 इतने मीटर पर सेकंड। तो n = पूरा जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं, तो ये आता है लगभग, ये आता है लगभग 11, मतलब लगभग 1.1×10^19 फोटॉन, इतने फोटॉन प्रति सेकंड, इतने फोटॉन प्रति सेकंड, ये आता है इसका आंसर। ओके, तो इसको आप सरल करके देख लेंगे कितना इसका आंसर मिलता है, तो लगभग इतना इसका आंसर मिलेगा आपको। ओके, तो ये था आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, तो बच्चों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जल्दी ही मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक खूबसूरत सी टॉपिक के साथ, जो कि हमारे बोर्ड के पैटर्न पे ही एकदम पूरा बेस्ड होगी, और बोर्ड से ही जो पूछे गए सवाल हैं उसी क्वेश्चंस को हम केवल यहाँ पे इस सीरीज में चला रहे हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।